ये जो म्यूल है हमारे पास धड़म से आया है। 1-1.5 साल पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था और तब से इसकी जो टांग है वो फ्रैक्चर्ड है। काफी टाइम से ट्रीट ऑन स्ट्रीट में करने की कोशिश कर रहे थे कि इसका जो असली ओनर था उसने तो उसको छोड़ दिया कि अब ये कोई काम का नहीं है, इसका पैर टूट चुका है, ये बाहर नहीं उठा पाएगा। लोकल पर्सन थे जो इसको अपने खच्चरों के साथ इसका भी ध्यान रखा करते थे क्योंकि उनके ही झुंड में रहता था। हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया है। वो जो वूंड है वो हमको ट्यूमर जैसा लग रहा है, तो इसके टेस्ट के लिए हम इसको भेजेंगे पालमपुर। उसके बाद इसका बेटर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मेरी बेटी जी के साथ जो भी खिटपिट होती रहती है ना वो एक तरफ है, लेकिन अभी मुझे ये पता चला है कि बेचारी बेटी जी की तबीयत आज ठीक नहीं है। बेटी को क्या हुआ है? बेटी, आज मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, सॉरी। क्या हुआ, ठीक हो तुम? बेटी थोड़ी सी ज़्यादा पैम्पर्ड भी है ना, तो इसको भी ये सेंसिटिव भी फिर ज़्यादा है, ठंड भी इसको जल्दी लगती है। ये संजू बाबा के साथ खड़ी है आज इमोशनल सपोर्ट के लिए। बेटी ठीक हो जाओगी तुम, आज नहीं करूँगी। ओल है, ये बीमारी में भी मुझे मार रही है। ये देखो दिवाली आ रही है तो आई एम श्योर आपने भी अपने घर को सजाया होगा, क्लीन किया होगा, पेंट वेंट किया होगा। हमारे यहाँ काउशेड में भी दिवाली के उपलक्ष्य पे ये वाइट वॉशिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है हमारे दिलवर जी ने। ये हमारा काउशेड तो पूरा नया लग रहा है, बाहर से भी और अंदर से भी वाइट वॉशिंग हो गई है। मेरे पीछे इस समय नंदलाल का प्लास्टर हम काट रहे हैं। पहले तो हम हैक सॉ ब्लेड से काटते थे, अब नूपुर ने में एक इलेक्ट्रिक सॉ जो है वो डोनेट करिए जिससे हम इसका प्लास्टर काट रहे हैं। नंदलाल को आए हुए यहाँ पे हो गया लगभग 2 महीने हो गए हैं। जब ये भाई प्लास्टर उतर जाएगा तब हम मैनुअली जाँचेंगे कि भाई इसकी हड्डी जुड़ी है या नहीं। और आई थिंक जब ये चलेगा तो पता लग ही जाएगा। हाय, आज दिवाली का दिन है और पीपल फार्म की तरफ से आप सभी को अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। यहाँ हमारी दिवाली फावड़ी हो रही है और हमारे सारे पीपल फार्म के सदस्य यहाँ पे जमा है, क्योंकि वैसे तो प्लान था कि योगा एरिया में पार्टी होगी, लेकिन क्योंकि मौसम ने एंड टाइम पे हमें धोखा दे दिया, बारिश हो रही है, फिर सारे यहाँ पोर्च पे दिवाली सेलिब्रेशन के लिए हाजिर हो गए हैं। यहाँ पे हमारे अमन जी हैं, वर्कोहॉलिक, जो पार्टी छोड़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि आप लोग समय पे हमारी वीडियोस देखें। और यहाँ पे चैतन्य भी साथ साथ काम कर रहे हैं, तो मतलब हमारी पार्टी बाहर चल रही है रात को और साथ में यहाँ अंदर काम भी चल रहा है। शांति हमारे यहाँ पैर की चोट के लिए आई थी, पर साहिल ने नोटिस किया कि इसके पेट पे एक लंप्स आए, तो आज हमने शेव किया है। इसको हर्निया है, डॉक्टर गुलशन इसकी सर्जरी करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसी गई वो। मेरे पीछे क्यों हो गए तुम? क्यों? ये टोफू, सरगम, इन्होंने गैंग सा बना लिया है और एनिमल एरिया ना आना इन्होंने थोड़ा मुश्किल कर दिया, अभी मेरे पीछे पड़ गए हैं। तुषार हमें बताएगा कि इस बार कमेंट ऑफ द वीक क्या है। अंकित जी ने हमारा एग्स वाला वीडियो अपने फ्रेंड के फ़ोन पे देखा था और जब उनने अपने फ्रेंड को बताया कि मैं पीपल फार्म को नहीं जानता हूँ तो वो बहुत शॉक्ड हुआ। अंकित जी लगभग हमारे सारे वीडियोस देखने लग गए। एक तो थैंक यू अंकित जी कि आप इंस्पायर हुए हमारे वीडियोस देख के। अगर आप लोग में से कोई भी हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे दिए गए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें, इस पर हमारे सारे व्हाट्सएप वीडियो शेयर होते हैं। आज रवीना के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसा क्यों है वो रवीना बताएगी। क्योंकि आज आकाश जी ने हमसे 3 बुक्स ऑर्डर किए हमारे ऑनलाइन सेकंड हैंड बुक स्टोर से। इससे जो भी पैसे रेज हो रहे हैं ये हमारे नए हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रवीना की ये स्माइल, ये वाली बरकरार रहे, तो आप हमसे सेकेंड हैंड किताब भी खरीदिए। और यहाँ पे मुझे गालिब जी दिख रहे हैं, ये एक ब्रोकन जॉ के साथ आया था हमारे पास और इसको पैरों पे भी वूंड्स थे। खुर के ऊपर एक घाव है पस वाला, उसका अभी पस का डिस्चार्ज अभी कम्प्लीटली ठीक नहीं कर पाए हैं, तो अभी काफ़ी हद तक जो हमने वायरिंग की थी उससे जुड़ गया है इसका। टिक फीवर के प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हमने एंटीबायोटिक इंजेक्शन शुरू कर दिया है क्योंकि इसके लिम्फ नोड्स काफ़ी सोलन थे। आगे जाके टिक फीवर इसको बहुत ईजिली हो सकता है। काफ़ी अच्छा रिकवरी है इसका अभी तक। ये टफ बॉय है, सर्वाइवर है और हम होप करें कि बहुत जल्दी एकदम चंगा हो जाएगा, है ना गालिब। आज जो हमारे एनिमल्स हैं वो कैनल के अंदर ही रहेंगे, बाहर चिल नहीं कर पाएंगे बिकॉज नो धूप। इतनी ठंड हो गई है कि इनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है ना, और ये है तो वीक ही, आए हैं इंजरीज के साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। हम सबको आज अंदर ही पराल में सैक के ऊपर अच्छे से रेस्ट करवाएंगे। ये है नंदलाल, इसका हमने प्लास्टर काटा था। प्लास्टर ओपन करने के बाद हमें पता लगा है कि इसके पैरों में एक ओपन वुंड भी है। इसका फ्रैक्चर हील हो चुका है लेकिन हड्डी गलत जुड़ी है। प्लास्टर चढ़ने के बाद इसने अपने पैरों को प्रॉपर रेस्ट ना दिया हो, इस वजह से हो सकता है कि हड्डी गलत जुड़ी हो। ये जो हड्डी जुड़ी है ये परमानेंट चेंज हो गया है, चलने फिरने में इसको ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी। अभी इसने अपना पैरों पे वेट लेना भी शुरू कर दिया है। प्लास्टर लगा होने के बावजूद नंदलाल चलता रहा, इसीलिए उसके पैर में थोड़ा घाव भी हो गया और जो हड्डी है ठीक से जुड़ी भी नहीं। अब जानवर को आप समझा नहीं सकते ना कि भाई तुम बेड रेस्ट ले लो या बैसाखी लेके चलो, क्योंकि वो इंसान की बनाई इन चीज़ों को समझता नहीं है। तो यही बात तब भी अप्लाई करती है, भाई जानवर किसी के खेत में घुस गया या रात भर भौंक रहा है या घर के आगे गंदा कर गया, उसको इन सब चीज़ों की समझ नहीं है अब। लेकिन हम झल्ला जाएँ वो तो चलेगा, पर हम उससे गुस्सा हो जाएं, उसको पत्थर मार दें, दरात मार दें, तो इसमें तो ना समझी फिर हमारी है ना। यहाँ पे गौरव भाई और अखरोट है तो बहुत ज़्यादा खेलते या दौड़ते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि गौरव भाई अखरोट को भी प्ले एरिया ले आए ट्रेनिंग के लिए। ये वही अखरोट है जो कुछ महीने पहले डिप्रेशन जिसको था और इसकी जो बॉडी थी उसके सारे बाल भी निकल चुके थे, बहुत कमज़ोर था ये, और अब देखिए अखरोट को। अगर आप इस हैंडसम बॉय को अडॉप्ट करना चाहते हैं हमारी अडॉप्शन लाइन पर फ़ोन कीजिए। सूरजमुखी हमारे पास रैत से आया था, उसको एक मैगेट वुंड था, उसको टीबी होने लगा था। प्रवीण क्रिस्टन के शॉट शुरू कर दिए हैं, बोले वो 1-2 डोज में ही ठीक हो जाएगा क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज पे हमने नोटिस कर लिया और टाइम से शुरू कर दिया। शुभम हमारे क्रिएटिव हेड है, और शुभम अभी क्या कर रहे हैं? यार मैं बुरे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, आप लोग हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, पर आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमें कुछ बुरे कमेंट्स भी करते हैं, कुछ फनी कमेंट्स भी करते हैं। तो शुभम वो पढ़ते हैं और फिर वो देखते हैं कि कमी हमारी वीडियो में कहाँ रही है, आपकी अगर कोई फीडबैक है चाहे वो बुरी है चाहे अच्छी है, वो देखते हैं और फिर वो फिक्स करते हैं। मैं आपको एक और शख्स से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, इनका नाम है आरुषि। हाय आरुषि। आरुषि कहाँ से है और वो यहाँ पे क्या कर रही है वो ये खुद बताएंगी। मैं देहरादून से हूँ, मैं यहाँ पे पैकेजिंग ओवरसी करूँगी, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्ट्स का कस्टमर सर्विस। हमारे यहाँ पे एक नए वॉलंटियर आए हैं अजय जी, और ये आए हैं मुंबई से। अजय जी यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं हमारे साथ, और आपको कैसा लग रहा है? कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है कि कैसे अपन फार्मिंग अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक पद्धति से कर सकते हैं। मेहनत कर रहा हूँ तो और मजा आ रहा है इसमें। कमल भाई का आज पीपल फार्म में लास्ट दिन है, वो क्यों है वो कमल भाई खुद ही बताएंगे। क्योंकि वहाँ पे आके अब मेरे को कुछ जानवरों की हेल्प से करना है। मैं थोड़ी सी कमल भाई से नाराज़ हूँ क्योंकि इतने अच्छे हैं और मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ फार्म पे, और ये हमें अचानक से छोड़ के जा रहे हैं, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप जो भी करना चाहें आपको इसमें सफलता मिले। यार वैसे तो दिवाली वाली चल रही है, सब बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन एक बात से मैं आपसे बहुत अपसेट हूँ, वो क्या है मेरे को शुभम ने बताया, शुभम आपको भी बताएगा। कम से कम 10 लाख लोग हमें सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं, एंड हियर इज द डाटा। यार मतलब आप वीडियोस देख रहे हो पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, यार ये क्या बात हुई? तो अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए।